हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग ऑन द चैनल। तो इस बार हम आए हैं पौंडीचेरी और आइए आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ रुक रहे हैं। तो अपने रिजॉर्ट का नाम है के रिजॉर्ट, वो पौंडीचेरी से करीब 25 किलोमीटर दूर है और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। तो अभी आपको चलिए अपना विला का टूर करवाते हैं। आप देवजीत को जानते होंगे अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, तो वो भी साथ में आया है, वो इसमें रुका है 1016 और अपना है 1015। हे लियो, ये रहा बेडरूम एरिया। काफी बड़ा बाथरूम है। रिज़ॉर्ट की एक मज़ेदार चीज़ आपको ये बताता हूँ, इन्होंने फर्नीचर का यूज़ ही नहीं करा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा सीमेंट का है। टीवी यूनिट सीमेंट का, जिसके ऊपर में स्टोन डाला हुआ है। सेम गोज़ फॉर बेड, साइड टेबल। इस पूरे विला में सिर्फ सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर ये है, दैट्स इट। और इधर से एक आउटसाइड एरिया भी है। इधर आप अपने डॉग्स को ले आ सकते हो। ये एक पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है और हम अपने को लियो पे इधर ही छोड़ देते हैं, तो अपना वो जो उसको करना है अपना बिजनेस निपटा लेता है। रिसॉर्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने रूम तो ऑलरेडी देख लिया होगा जो भी मैंने दिखाया। तो हुआ ऐसा कि 2 घंटे रुकने के बाद उस रूम में उसकी पावर चली गई और कुछ जंप या कुछ फ्यूज़ उड़ गया था। तो इन्होंने बोला कि आपके पास ऑप्शन है, आपको हम दूसरा डिलक्स रूम दे सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है एट द सेम कॉस्ट जिसपे हमने स्टैंडर्ड रूम बुक किया था। तो अभी मैं डिलक्स रूम में बैठा हूँ। इनकी सर्विस ज़बरदस्त है और ये रूम काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। आप पीछे देखो, एक हैमॉक भी है, आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी बड़ा सा गार्डन स्पेस है। लियो अपना यहाँ एंजॉय कर रहा है। क्या लियो, धूप सेक रहा है। और थोड़ी देर में आपको रूम का टूर करवाता हूँ कैसा है। और अभी हम निकलेंगे, आज ही हमारा चेकआउट है। छोटा सा एक ट्रिप था, रोड ट्रिप, अलकाजार से अभी तक मारा नहीं था, तो एक ट्रिप का ट्रिप हो गया। और एक बीच घूमेंगे और कुछ फोटोज खिंचवा के पौंडी में, फिर यहाँ से बस निकल जाना है। तो यही प्लान है, मिलते हैं आपसे रोड पे। तो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट हो गया है और आइए आपको अपना रूम का टूर करा देते हैं क्योंकि थोड़ी देर में हम चेकआउट करेंगे। तो अपना रूम जो है वो डिलक्स वाला है,
स्टैंडर्ड वाला तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये डिलक्स वाला है जो चेंज हो गया, प्रॉब्लम हो गया था ना अपने पावर का, तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो अभी देखिए कितना अच्छा है ये, आपके लिए एक पर्सनल पाथवे है जो सिर्फ आपके विला के लिए आता है। तो 2019 इसमें हम रुके हैं, लियो चलो रूम टूर करा। तो कुछ ऐसा है रूम, लाइटिंग्स तो इतने सारे हैं मत पूछो। जैसा कि आप देख रहे हो रूम का हमने ऑलरेडी चक्रा कर रखा है। ये क्या है इसमें कि एक सिंगल फ्लैट है, यहाँ से आप घुसे एक ही हॉल को ऐसे ना दो पार्टीशन में बांटा हुआ है, इधर सोफा लगा दिया और पीछे में बेडरूम लगा दिया और टीवी हो गया। और यार सबसे अच्छी चीज़ इस पूरे विला की जो मुझे लगती है, सेकंड फेवरेट चीज़, वो इसका बाथरूम। आप विश्वास नहीं करोगे बेंगलोर और मुंबई में इतने बड़े तो रूम्स नहीं होते। देव तुम क्या कर रहे हो, चलो बाहर जा। तो ये था मेरा सेकंड फेवरेट प्लेस इस विला का, और टॉप फेवरेट प्लेस तो इसका आउटडोर स्पेस है, बहुत ही अच्छा आउटडोर स्पेस है। आप देखो देव तुम अंदर रहना, देखो भाई को और कोई काम नहीं है, बैठ के हैमॉक पे कल से झूले जा रहा है, गिरा हो साले। ये काफी प्यारा आउटडोर स्पेस है। तो कुल मिला के ये था अपना विला 2019। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करके आए तो खाना तो अच्छा था, बट ये लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसे बना रहे हैं कि मसाला कम है, सॉल्ट कम है, तो उस टाइप का है। मतलब अगर आप ऐसे हाई फाई जगहों पे जाके खाना पसंद करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको चटपटा मसालेदार खाना चाहिए तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी रिजॉर्ट तो अच्छा है, बस एक ही चीज़ मिसिंग है पूरे रिजॉर्ट में, वो है कि बीच नहीं है नज़दीक में। तो अभी सुबह में हम सेरेंटी बीच गए थे जो कि उतना कुछ खास है नहीं, और अगर आपको और कोई बीच जाना है तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली पौंडीचेरी में नहीं है, ये पौंडीचेरी से बाहर है, तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है। तो यही है, मैं ड्रोन शॉट डालता हूँ पूरे रिजॉर्ट का, तो आप देख लेना कैसा है। राइट राइट
ऑटोमेटिक गेट आ गया।